हमने इंग्लिश में नहीं समझती उनको, तो वेरियस मॉडल देके हमने वो कंसेप्ट उनके दिमाग में बिठा दी। तो ठीक है, वो अगर हम जब बता दे कंसेप्ट, तो लास्ट में जो भी हमारा हुआ आज का, तो हम पूछते थे बच्चों की कि हाँ ये समझ में आया कंसेप्ट। अगर कोई बच्चा कहता है नहीं समझ में आया, तो हमने उनको हिंदी में पूछा। स्टूडेंट आपके सामने, आप उनके भी पूछ लीजिए। और दूसरी बात, हमने एक क्लास में टेस्ट ली, जितना भी हमने पोर्शन कवर किया उस पे हमने टेस्ट ली कि 20 मार्क्स की, और उनके ब्रेल में दे दी। वो तो जो क्वेश्चन पेपर है हमने पूरे ब्रेल में बना के उनको ब्रेल में देके वो एक घंटे का 20 मार्क्स की पहली टेस्ट हमने कंडक्ट कर दी। उसमें भी बच्चों ने, कुछ बच्चे को कम मार्क्स आए थे, तो उन्होंने भी बाद में इम्प्रूवमेंट किया जब हमने बताया उनको कि नहीं कम मार्क्स आए। जैसे यहाँ दो स्टूडेंट है, तो उनको बहुत कम मार्क्स आए, हमने उनको भी मोटिवेट किया कि नहीं अभी ये देखो ये बच्चों के इतने मार्क्स आए, तो आपके भी इतने मार्क्स आने चाहिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और दूसरी बात, हमने ये फोकस किया कि ब्लाइंड को इंडिविजुअल बनाना चाहिए। हमने कभी उनको पकड़ा नहीं कि आप यहाँ आपकी चेयर है ये, उनको हम बस सिर्फ डायरेक्शन देते थे, राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, सीधा जाओ। एवं तो हॉस्टल में जो बच्चे रहते थे वो सेकंड फ्लोर पे रहते, हमने उनको कभी हाथ पकड़ के उनको स्टेप नहीं चढ़ाई। तो उनको हमने पहले ये बता दिया कि इतनी ना 15 स्टेप है, जब आओगे पहले 3 स्टेप है, फिर लेफ्ट आना है, फिर राइट स्टेप है। ये भी हमने उनको सिखाया कि उनको सेल्फ डिपेंडेंट, किसी पे डिपेंडेंट नहीं बनाया। जब प्रेजेंटेशन देने आते थे खुद आगे जाके खड़े रह के वो खुद प्रेजेंटेशन दे, हमने उनको हाथ पकड़ के वो सामने भी नहीं किया, तो ये भी दिया। दूसरा बात है, जब हम एक्सपेरिमेंट करते थे, हमारा शेड्यूल ऐसा था कि 12:30 बजे हमने स्टूडेंट के हिसाब से 2-3 स्टूडेंट बाहर कॉलेज में नहीं करते थे, तो उनका 12:30 तक वो फ्री नहीं थे, तो हमने उन्हीं के हिसाब से टाइम सेट किया था। तो 12:30 से 2 बजे तक हम थियरी पढ़ाते थे, और 2:30 बजे से 5:30 बजे तक हम प्रैक्टिकल लेते थे। तो ये डेली का शेड्यूल था मंडे से फ्राइडे तक। फिर हमने ये हुआ, तो बाद में हमने फाइनल एग्जाम ली। फाइनल एग्जाम हमने उनको 5 कोर्स में 5 पेपर थे। फर्स्ट पेपर 2 पेपर थियोरेटिकल थे, 2 पेपर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट पे थे, और 1 पेपर था उनका सेमिनार पे था। और जो थियोरेटिकल थ्योरी पेपर है वो 77 मार्क के 2 पेपर थे, और सेमिनार था 60 मार्क्स का था, और उनके जो प्रैक्टिकल 2 पेपर वो 50-50 मार्क्स थे। तो परसों हमने 9 को एग्जाम ली और 11 को एग्जाम, 10 को एग्जाम, तो वाइंड अप किया। तो 2 दिन हमने एग्जाम ली, सुबह हमने थ्योरी पेपर लिया और आफ्टरनून सेशन में हमने एक्सपेरिमेंट ले लिया। तो 2 दिन एग्जाम चली और बाद में प्रेजेंटेशन हमने 4 तारीख को लिया था, उनके सेमिनार को भी 60 मार्क थे। सब हमने जितनी फैकल्टी थी, अनफॉर्चुनेट उस दिन मानसिंह सर बिजी थे और हमने वेट किया, लेकिन सर नहीं आ पाए, तो हमने वो कंडक्ट किया क्योंकि हमने डेट भी डिक्लेयर और हमारे पास टाइम कम था। तो बाद में एग्जाम हो गई और कल ही एग्जाम, इन्होंने बच्चों की एग्जाम खत्म हुए, तो 6:30 बजे तक बच्चे यहाँ उनका प्रैक्टिकल करते थे, उन्होंने इंडिविजुअल प्रैक्टिकल किया। और ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल किया और रिजल्ट क्या आया वो भी हमें बता सकते कि ये रिजल्ट क्यों आया। ये अगर दो आर्टर है उनके पास, एक इम्प्योर है एक प्योर, ऐसे ही देते थे हम, तो हमें बता देते कि सर ये जो ए नंबर सैंपल था वो था प्योर वाटर था और बी नंबर इसमें कुछ मिला हुआ है, तो ऐसे भी देते थे। जब हम प्रैक्टिकल कंडक्ट करते थे तो जो सैंपल का नियम है, हम वो ब्रेल लैंग्वेज पे हमने सैंपल वाटर को जो योरी है हर फैकल्टी उनको ऐसे सैंपल देता था, और ब्रेल लैंग्वेज उनसे हम लिखवाते थे क्योंकि हमें ब्रेल लैंग्वेज नहीं आती थी, और वो सैंपल उस पर लगा के वो सैंपल एनालिसिस, हाँ ये है ये है, ऐसा करते। आपने सब अच्छी अच्छी बातें तो बोल दी। आप एज ए टीचर अभी आप ये बताइए कि आप क्या डिफिकल्टी फेस किए पढ़ाने में। हाँ सही बात, डिफिकल्टी है सर कि उनको एक तो मॉडल की जरूरत है, वरना ऐसा नहीं है कि मॉडल इज देयर ना, मॉडल इज देयर बट उससे नहीं होता ना, एक से छोटा छोटा भी है। नो है क्या इनफ मॉडल, है क्या आंसर ऐसे कीजिए। फॉर बॉन्ड टीचिंग मॉडल इज अवेलेबल इन आवर यूनिवर्सिटी, ओके, बट फॉर अनदर साइंस टीचिंग जैसे ऑर्बिटल उनको पढ़ाना है, तो वो मॉडल हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, फिर भी हमने हमारे लेवल पे उनको ट्राई किया और समझ गए क्या है। अभी बेंजीन रिंग मुझे पढ़ाना था एक दिन, तो मैं सोच में लगा कि मैं बेंजीन रिंग को कैसे समझाऊं, क्योंकि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, असाइक्लिक स्ट्रक्चर दो टाइप होते हैं, असाइक्लिक एक साइक्लिक, तो मैंने बेंजीन रिंग उनको पढ़ानी थी। अभी भी बता सकते हैं उसमें कितने डबल बॉन्ड है, कितने सिंगल बॉन्ड है, कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन। तो मैंने उनको पहले असाइक्लिक पढ़ाया, असाइक्लिक पढ़ाने के लिए मैंने उनकी चेन बना दी,
उनको हाथ को पकड़ा और उनको बता दिया कि जो हैंड ये आइडिया में मानसिंह सर से लिया था, उन्होंने हैंड पकड़ के उनको समझ में आया कि बॉन्ड है, ये बॉन्ड है। तो हमने उनको ये समझा दिया कि आप खुद को इमेजिन करो कि आप कार्बन, तो आपके पास कार्बन की वैलेंसी चार है वो भी बता देंगे वो। तो उनको ऐसी चेन बना के मैंने असाइक्लिक स्ट्रक्चर सिखा दिया और बेंजीन रिंग का उनको ऐसे चेन बना के बेंजीन और उनको षटकोण टाइप ऐसा बता के बाहर गए थे गार्डन में, वहां बना दिया और समझ गए। ऐसे मॉडल की जरूरत है जो भी पढ़ाना है। बेंजीन का मॉडल तो अपने बना सकते थे हम इससे, जो मॉडल बेंजीन का मॉडल तो ये ठीक है चेन से बना, लेकिन जो भी अदर कांसेप्ट है उसके लिए वेरियस जैसे पॉलीमर के मॉडल चाहिए, प्लास्टिक मॉडल चाहिए, प्लास्टिक मॉडल। और दूसरा जो बच्चे भी बोल रहे थे कि 3 मंथ्स अभी तो मोर पैरामीटर्स है हमारे पास, तो मैं चाहता हूं कि 6 मंथ हो जाए। सचिन सर जितना पैरामीटर्स आप ला रहे हैं वैसे आप फटाफट पोस्ट थीसिस लिख सकते हैं उसे, उसमें जो जो चीज आप सोच नहीं सकते उससे क्या क्या होगा। इन लोग के तो बस की बात नहीं है, आपको भी सोचना पड़ेगा कि क्या क्या विजन करेंगे। ठीक है, वो तो ठीक है। सर मैं कुछ बताना चाहता हूं। हां जी पूछिए। सर हम ये तो पता लगा सकते हैं कि ये इंप्योर मतलब प्योर की तुलना में वो इंप्योर है, लेकिन सर ये इंप्योरिटी क्या है वो सर हम पता नहीं लगा सकते, तो उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट होता अच्छा। जैसे कि मिल्क है जिसके पानी मिला है तो सर हम ये बता सकते हैं कि मिल्क में कुछ मिला है, लेकिन कुछ क्या मिला है। नहीं, आपने ये बहुत अच्छा सवाल उठाया, पहले भी आपने उठाया था, उसी लिए देखिए रिसर्च का भी नेवर कोई अभी एंड नहीं होती, चलती रहती है, चलती रहती है। तो उस पर भी काम चल ही रहा है हमारा, जो सेंसर फिट करने के लिए कि इसमें क्या मिला है वो काम चल ही रहा है हमारा। सेंसर बताते हैं आपको इसमें ग्लूकोज मिला है या कैल्शियम मिला है या सोडियम मिला है या कुछ फ्रक्टोज मिला है या बेंजीन मिली है, वो सब सेंसर हम लगा रहे हैं। अभी तो ज्यादा सेंसर नहीं कर पाएंगे, मुश्किल से 10 ही सेंसर लगाएंगे, क्योंकि काम इतना आसान नहीं है वो। तो 10 का ही हम पहले, मैंने आपको बता आप एक बार क्लास में बताया था मैंने कि हम 8-10 हो सकता है कि 4-5 सॉल्ट्स के लगा दें, कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम ऐसे लगा दें, सोडियम जो वाटर में इनमें भी मिलते हैं, और 4-5 2-3 डाई के बना दें और 2-3 और ऑर्गेनिक मेटेरियल के बना दें। तो 10-12 का हमारा काम चल रहा है मेरी सर, वो थोड़ा इतना सिंपल साइंस नहीं है। एक्चुअली यदि सब क्वेश्चन का आंसर हो जाए तो हम जॉबलेस हो जाएंगे पहली बार। ठीक है, और दूसरी बात ये भी बता दूँ आपको कि उसमें क्या है वो इन्फिनिटी, मतलब आप सोच नहीं सकते हो इतने चीज उसमें हो सकते हैं। तो कैसा भी आप सेंसर डेवलप कर लो, ये कहना कि उसमें सल्फर के बदले कार्बन के बदले ऑक्सीजन डाला कि मिक्सचर डाला, वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप का काम है। पूरे जनरेशन लग जाएंगे फिर भी खत्म नहीं होगा। लेकिन फिर भी सर कोशिश किया है, सर ने बहुत कोशिश किया कि कॉमनली क्या होता है कि दूध में जो मिलने वाला हो एग्जैक्टली वही जाएगा ना, जैसे हम डाल दिया या कुछ ऐसे डाल दिया, कुछ जो दूध के प्रॉपर्टी से जो कि विजिबल नहीं हो वही डालेगा ना, तो उस हिसाब से कुछ कर रहे हैं, दैट इज वन स्टेप अहेड। ठीक है, लेकिन जहाँ सर जो प्रैक्टिकल पीरियड है ना, जब आप कोर्स की लिमिट बढ़ाए तब प्रैक्टिकल का पीरियड ज्यादा रखना, अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट देयर आफ्टर दे कैन एबल टू रीच टू द कंक्लूजन। ठीक है सर। सर जब ये कोर्स शुरू हुआ था ये काले सर का इनिशिएटिव था, जब उनको पता लगा ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उन्होंने इमीडिएट बोला कि आप 1 साल का कोर्स शुरू कर दीजिए। मेरा सर कि अभी हमने कुछ नहीं किया, हम पहले अभी इसको बिल्कुल ट्रायल बेस पर कुछ मिनिमम पीरियड फिर वो बोले 6 महीने कर दीजिए, मैं सर और हम कम करें जिससे हमें बिल्कुल इनपुट, क्योंकि थ्योरिटिकल जब डेवलप करना अच्छा है लेकिन उसको ट्रायल करना थोड़ा सा इनपुट चाहिए है ना सर। हाँ, तो इसलिए हमने 6-3 मंथ्स का रखा था, काले सर की ओपिनियन 1 साल की थी कि 1 साल का रख दीजिए आप इसको। तो अब हमें फीडबैक जैसे जैसे मिल रहा है ना सर, ये सब कुछ होगा इनिशियल बिगिनिंग मतलब है कि और बहुत ज्यादा मतलब हमें हमारी उम्मीद से ज्यादा रिजल्ट हमें आए। अब ये राकेश सर बैठे, इन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया, ये बोल नहीं रहे, कुछ बताओ ना कोर्स के बारे में। राकेश सर प्रैक्टिकल बहुत अच्छा, हाँ इन्होंने इतने इनऑर्गेनिक सब बता ना सर, कुछ इनपुट दो ना हमें। लेकिन सर बैठे सब लोग बैठे सर, रिजर्वेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सिर्फ दो ही प्रॉब्लम है। हां फर्स्ट कैलकुलेशन पार्ट, हां एंड सेकंड सम मॉडल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ साइंस एंड लाइक इन व्हाट टाइप ऑफ मॉडल यू यू वांट पीरियोडिक टेबल्स मॉडल पीरियोडिक मॉडल राइट। तो ये थ्योरी है,
वेरी गुड एंड सो वी कैन इजीली गिव देम इनपुट अबाउट मेटल्स अच्छा अच्छा मेटल्स एंड बस फ्रॉम स्टूडेंट साइड सर देयर इज नो प्रॉब्लम्स लाइक दैट ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी डायनेमिक within short times इतनी अच्छी साइंस समझ ली रीजन मीटर की अबाउट रीजन मीटर हाउ टू हैंडल एंड हाउ कैन वी यूज रीजन मीटर इन इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक फील्ड आल्सो सो ओनली टू डिफिकल्टीज फर्स्ट कैलकुलेशन फॉर सम मीटर अच्छा अच्छा वैसे ये आप बताओ ना कुछ यार इतना आप इन्वॉल्व थे सर इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू डॉट वीसी पेपर्स सो When I went to class first time achha, yes sir that time I think how I will teach them because I never taught braille language and other things so then I talked to students they competent me that they can understand easily and then we started the science basic science then we started from atom molecules bond and we bring some models from our library and they easily understand and they help us to make it easy very good so, they give the direction to us yeah. then this is the way to make them very much competent in learning so from their ideas we implement that and we make it easy for them and we try to best and sir support us very much and when we don't know about some things how it explain then sir give us some ideas some models then we interact with them and we input it in our class and they support us and they utilize their potential to make it easy and I think there were some problems which we could not provide at that time like braille notes because so there should be a braille printer so we can provide so that we talk to sir and they are doing something for this it will be next and better They can provide notes so they can easily understand at their homes. But in this course, we try to and we make it easy and they write their notes in their papers in braille language and they easily understand and they make it easy, sir. आगे आपके experience में क्या लगा sir? क्या-क्या आपको ऐसा था जो इनको और ज़्यादा attention देगी sir question पूछ रहे थे? अगले batch के लिए क्या आपकी opinion है? कहाँ-कहाँ हमें उसको hit करना होगा? So जो mathematics का part से board है वो भी हम करेंगे और जो इंग्लिश का आपने काफी सपोर्ट किया हम और भी करेंगे उसको बेटर करने का कि आप कहीं भी जाए तो अच्छा बेटर कर सके उसके साथ ही क्लास के साथ हम बेटर इंप्रूवमेंट करेंगे और जैसे अच्छा बोर्ड है कि वो क्वालिटी कैसे चेंज करेंगे क्या मिला हुआ उसमें तो नॉर्मली ये सॉल्युबिलिटी पे बेस्ट रहता है कि जैसे मिल्क है मिल्क में क्या मिला सकते हैं मेनली वो वाटर मिलाते हैं क्या मिलाते हैं तो उस टाइप के हम सेंसर का सोच रहे हैं सर वो भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको इजिली अंडरस्टैंड हो सकता है कि हाँ कि ये इसमें सोडियम क्लोराइड मिला हुआ था उसका सेंसर आपको इंडिकेट करेगा कि इसमें ये मिला हुआ है ठीक है ना तो दिस काइंड ऑफ अप्रोच वी विल डू सर इन नेक्स्ट कोर्स सर लेडी सर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर गुड या कर दो ना प्रश्न आ जाओ सर आपका आपके दिमाग में बैठना बहुत जरूरी मान रहे हैं अच्छा सर ये आना चाहिए सर तो नहीं आपको क्या जैसे ये तो आपने बहुत अच्छा बता दिया और क्या लग रहा है आपको कि हमें कैसे अप्रोच लेकर चलना चाहिए इन्होंने एक बार ये बोला कि ये 10 ml है हाउ वी विल मेजर हाउ वी तो कुछ ग्लासवेयर भी ऐसे ब्रेल में होने चाहिए कि दे कैन इजीली अंडरस्टैंड सर अभी कैसे मेजर करते हैं आप लोग मेजर करते हैं अभी हम कर रहे हैं और विजन मीटर में एक्चुअली वो वॉल्यूम बता देता है लेकिन एक्चुअली ये पूछ रहे कि हम कैसे मेजर करें इनका क्वेश्चन रहता था सर तो ग्लासवेयर में अगर ब्रेल में इंडिकेट हो इंग्रेव हो तो दे कैन इजीली अंडरस्टैंड सर ऑनरेबल मानसी जी जैसे मेजरेबल मानसी ने मेल तक 5 10 नहीं लेकिन एक मॉडल ये इंस्ट्रूमेंट आ रहा है जो हम सर ने ये किया वो वॉल्यूम का वो भी वेरियस वैल्यू है सर अगर वो सेंसर लगाते हैं सेंसर उनको 2 ml चाहिए 1 ml से लेके 100 टू 50 तक सर अभी वो चल रहा है हां हां बिल्कुल जस्ट लाइक दिस ये लेकिन बहुत अच्छा इनपुट था आपका कि ग्लासवेयर में कैसे फील करेंगे कि उसको कितना सॉल्यूशन का टेस्ट कर सकते हैं और कितना मिनिमम चाहिए ग्लासवेयर भी टेफ्लॉन में चाहिए ताकि वो ग्लासवेयर का तो ब्रेकिंग कार्ड नहीं हो हां ब्रेकेबल नहीं होना चाहिए आज से फिर भी नॉन ब्रेकेबल नॉन ब्रेकेबल ये चाहिए एक्सपेरिमेंटल है ये डीसी 24 डीसी जो सब पे
वो नहीं रहता है एरो एरो वाला भरत भाई, कुछ फोटो भी ले लेते हैं यार उसके साथ साथ में उनसे सब्जी बनाएंगे। अच्छा मैं एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ सर, आपने बोल दिया, मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ। और हुआ ये कि जैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ तो ऑनरेबल प्रोफेसर सर, आइए एक सेकेंड सर, प्रोफेसर गगन मेहता सर बहुत आके इन्होंने इनपुट दिया। सर मैं ये भी कहना चाहता हूँ एक बात कि जैसे सचिन साहब ने बोला और हमारे दिमाग में थी, पहले इन्होंने बोला था कि इंग्लिश की क्लास होनी चाहिए, वो हमने बहुत प्रिंटेड की थी, नोट किया था। तो ये प्रोफेसर गगन मेहता है, गुजरात गवर्नमेंट इनको स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है प्रोफेसर का, तो अलग इनके प्रोविजन्स होते थे, इनको साइंस पता है। तो क्या है कि इन्होंने इनपुट दिया था बहुत मीटिंग लोगों के सामने कि भाई कोई इंग्लिश का अलग से होना चाहिए। तो जैसे इन्होंने बोला हमारा वास्ता क्या कैसे करें, तो जैसे इन बच्चों ने कोई हर्डल नहीं समझी तो बीच में ये भी नाराज हो गए हमसे। उन्होंने कहा था कि मैं कुछ क्लास पढ़ाऊंगा, हमने कहा कि ठीक है आप बीच में इंग्लिश की क्लास पढ़ाने आ जाना। तो बाद में क्या हुआ कि हम इनको क्लास दे नहीं पाए। प्रोफेसर गगन मेहता सर हम इसलिए नहीं दे पाए क्लास कि हमारा लगन ये थी कि बच्चों की और पिकअप कर रहे हैं, यदि हम इंग्लिश की तरफ डाइवर्जन ले जाएंगे, वो जैसे सचिन साहब ने बहुत अच्छा बताया कि वो इंग्लिश ऐसा ही ऑटोमेटिक टीचिंग हो गई कि वो उसी से इंग्लिश इनकी स्ट्रेंथन हो गई। तो इसलिए हम आपसे आप हमसे नाराज भी हो गए थे बीच में, हम आपसे माफी चाहते हैं, नहीं हम आपसे माफी चाहते हैं कि